नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत दास। अपना चैनल श्रीकांत दास बल्ब में आप लोग का सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी साइकिल। ट्रांसमिशन लाइन में डी साइकिल को कैसे यूज किया जाता है, डी साइकिल होता क्या है, तो आज हम वो दिखाएँगे आप। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहले डी साइकिल दिखाते हैं, डी साइकिल होता क्या है। थोड़ा इधर दिखिए भाई, ये देखिए इसका नाम है डी साइकिल। तो डी साइकिल कई प्रकार का आता है। तो ये मैं आपके पास कुछ डी साइकिल रखा हूँ लाइन से, और इससे भी बड़ा बड़ा डी साइकिल आता है। तो ये क्या बेसिकली जो हमारा वायर रोप है ना, वायर रोप देखिए, वायर रोप में लगा हुआ है। वायर रोप से जब कोई माल हम क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं, वो लिफ्टिंग के टाइम में उसको यूज किया जाता है। तो अभी ये मैं आपको एक जगह पे लगा के दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करता है। इसमें देखिए हमारे पास चार क्वालिटी का है। इसमें देखिए एक टन का है डी साइकिल हमारे पास। देखिए एक टन का डी साइकिल है, तो इसमें एक टन का डी साइकिल है तो एक टन का माल नहीं उठा सकता है। इसमें इससे कम का, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर कोई माल आप उठा लिए हैं तो उसको कंटिन्यू टांग के रखना पड़ता है क्रेन से। तो आपको मैक्सिमम अगर एक टन का माल उठाना है तो कम से कम दो डी साइकिल तो लगाना ही पड़ेगा। आप दो सीलिंग में दो डी साइकिल बांध के एक टन का माल उठाएंगे तो सेफ है। अगर वो बोलेंगे आप कि हम चार टन का माल उठाएंगे तो दो डी साइकिल हम आठ टन वाला लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन क्या है, जब आप हैवी माल उठाएंगे ना, तो उसका सेफ तरीका जो है, सेफ जो पर्पस है, उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे आप 10 टन का माल उठाएंगे तो आप सोचेंगे कि दो डी साइकिल लगा दूंगा, 10 टन का माल उठा लूँगा। नहीं भाई, तो उसमें क्या है, आप माल उठ तो जाएगा लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको रिस्क को कम करने के लिए दो का जगह पर चार डी साइकिल लगाना पड़ेगा। चार जगह आपको लिफ्टिंग हुक लगा के, या लिफ्टिंग कहीं पर लिफ्टिंग हुक होने का जगह अगर रहेगा वहाँ पर आपको चार जगह पे लॉक करके आपको उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हम आपको दिखाते हैं इसको लगाता कैसे है और कैसे उठाता कैसे है, क्रेन क्या चीज़ है, हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसको एक जगह पे आपको लगा के दिखाते हैं। और कोई भी जगह पे जब आप यूज करो डी साइकिल, जैसे कोई 10 टन का माल है, आप चार डी साइकिल लगा रहे हैं, तो चारों सेम साइज का लगाने का। ये नहीं कि किसी का कम कैपेसिटी है, किसी का ज़्यादा कैपेसिटी है, ऐसा वाला बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम लोग चार डी साइकिल लगा रहे हैं तो चारों, समझ लीजिए 10 टन वाला लगा रहे हैं तो चारों 10 टन वाला लगा रहे हैं। अगर 8 टन वाला लगा रहे हैं, 10 टन का माल है, 8 टन का सीलिंग लगा रहा है, चार लगा रहा है, तो भी उठेगा माल, सेफ रहेगा। तो चारों का सेम साइज का लगा रहेगा। तो मैं अभी आप इसको, ये हमारे पास वायर रोप पड़ा है। अभी आप बोलेंगे कि वायर रोप क्या होता है, ये देखिए वायर रोप, इसको एक तरीके से मोटा मोटी पकड़ा जाए तो लोहे का तार बोला जाता है, लोहे का रस्सी बोला जाता है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में वायर रोप बोलते हैं। तो इससे क्रेन में लिफ्टिंग किया जाता है। और ये वायर रोप कई प्रकार का होता है। वायर रोप का थिकनेस का ऊपर डिपेंड करता है वायर रोप का कैपेसिटी। तो हम आपको वो बाद में बताएंगे, बाद में जो वीडियो हम दिखाएंगे उसमें हम ये वायर रोप का, या अभी 16 mm का वायर रोप हमारे पास है, इसका क्या कैपेसिटी है और उससे पतला का क्या कैपेसिटी है, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि डी साइकिल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारे पास एक डी साइकिल ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो इसका सेम साइज का डी साइकिल हम ये वाला को वो साइड में लगा देते हैं। और हमारे पास आप लोग को अभी हम हैवी मटेरियल में लगा के नहीं दिखाएंगे, हमारे पास थोड़ा सा सीढ़ी पड़ा हुआ है, उसमें खाली कैसे लगाते हैं, इसमें कैसे आई को यूज करते हैं, मैं खाली उतना ही दिखाऊंगा। फिर बाद में जैसे जैसे वीडियो हम बनाते जाएंगे उसमें बाद में आपको मैं दिखाते जाऊंगा कैसे लिफ्टिंग करना है। तो हम खाली आज एग्जांपल वायर रोप क्या चीज़ है, वायर रोप किसको बोलते हैं और डी साइकिल किसको बोलते हैं, बस ये दो ही चीज़ सीखेंगे आप। तो ये वायर रोप को मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इधर आइए। दोस्तों देख रहे हैं ये मेरा सीढ़ी पड़ा हुआ है,
पंप है, और ये अगर रस्सी आपका अगर रस्सी होता, रस्सी नरम चीज़ होता है, थोड़ा सा और आगे आ जाओ भाई, रस्सी नरम चीज़ होता है, रस्सी को अगर हम बांधेगा तो उसको हम गांठ मार सकते हैं, वायर रोप को तो हम गांठ मार नहीं सकता है। तो इसके लिए वायर रोप को हम डी साइकिल का यूज़ करते हैं। इसका और एक तरीका है, तरीका मतलब इसमें क्या है ना, एक साइड में थ्रेडिंग रहता है, एक साइड में थ्रेडिंग रहता है और एक साइड में ऐसा लेवल रहता है, तो इसको डाल के इसको ऐसा घुमा घुमा के इसको लॉक करना पड़ता था, ऐसा हल्का टाइट कर देंगे ये लॉक हो जाएगा। तो अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दो जगह पे डी साइकिल को लगा दिया है। जब भी आप डी साइकिल लगाइए तो आप ये जो पोजीशन है, ये जो ये टाइट करने वाला खुलने वाला, तो ये पोजीशन को आप ये आई का अंदर रखने का, और ये जैसे क्रेन में हम इसको उठाएंगे ना, क्रेन में जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये अगर ये इस तरफ रहेगा तो ये घूम के खुलने का चांसेस रहेगा, और ये अगर इस तरफ रहेगा तो ये घूम के खुलने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ये हमारा इस तरफ में सेफ साइड है, यही एक तरीका है, बहुत तरीके है, आदमी लोग गलत करता है कि इसको ऐसा घुमा के ऐसा रख देते हैं, जब इसे टाइट करेगा ना तो ये खुलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसको कोई भी ऐसा सीलिंग को लगाना चाहिए, ऐसा लगा के हम जब क्रेन में फंसाएंगे क्रेन में, तो एक क्रेन इसको उठा लेगा। तो ये हमारा हो गया आज का सीलिंग लगाने का तरीका। तो बोलेंगे आप थोड़ा सा क्रेन भी दिखा दीजिए, तो भाई साहब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा क्रेन दिखाइए, हमारा एक क्रेन दिखा दीजिए। तो देखिए भैया, ये होता है क्रेन, और थोड़ा सा उधर जाइए थोड़ा सा इधर, तो ताकि सबको क्लियर दिख जाए। ये होता है क्रेन, ये आप पुल्ली देख रहे हैं भाई साहब, ये पुल्ली से देखिए, इसमें आदमी भी जा सकता है, बस घुमा लीजिए, उसमें आदमी भी जा सकता है, माल भी उठा सकते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक में हम क्या सीखे हैं, थीलिंग किसको बोलता है, डी साइकिल किसको बोलता है, और डी साइकिल को यूज़ कैसे करते हैं। तो आज का इतना ही है, बाकी हम बाद में आपसे मिलेंगे फिर दूसरा वीडियो में, ज़्यादा तक हम टाइम नहीं लेगा, थोड़ा थोड़ा डेली सीखेंगे, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम थोड़ा थोड़ा डेली सीखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। एक ही दिन में ज़्यादा कोई चीज़ को अगर दिखाएंगे ना तो आदमी का दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा चैनल के साथ में बने रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।